हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो फाइनली यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आ चुकी है। आप में से जो भी इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, 10th पास, 12th पास, 10वीं और 12वीं के बेसिस पे अगर आप इंडियन आर्मी में अप्लाई करना चाहते हो, आप लोग अच्छा मौका यहाँ पर आ चुका है। कई तरह की वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं। बार्बर, चौकीदार, LDC, सफाई वाला, हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक, ये ट्रेड्समैन मेट हो गया, वार्ड हो गया, वॉशरमैन हो गया, इस तरीके की कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। कहीं पर एज लिमिट 18 से 25 साल है, कहीं पर 18 से 27 साल की एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारी डिटेल्स आपको बता देंगे किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह का एग्जाम रहने वाला है। आपको वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक देखना होगा। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा पे मैट्रिक्स। यहाँ पर लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा होगा और लेवल 2, लेवल सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बाकी आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जो ये सफाई वाला या वो वार्ड्स आके वाली पोस्ट है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से आपको बताना चाहूँगा, आप सभी के लिए काम भी आने वाला है। ओली बोर्ड की तरफ से एक फ्री ई बुक प्रोवाइड करेगी जिसमें 1000+ मोस्ट इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 1000 से ज़्यादा GK के क्वेश्चंस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, डिफेंस की, आपके ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। तो आपको ये ई बुक फ्री की है, आपको डाउनलोड करनी चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसी साथ ओली बोर्ड की तरफ से बात करेंगे, 2x वैलिडिटी आपको मिल रही है ईद के मौके पर। 30 अप्रैल से 4 अप्रैल तक टाइम आपके पास रहने वाला है। और NTPC CBT2 का फ्री मॉक टेस्ट 30 अप्रैल 1 मई को रहने वाला। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर बेनिफिट उठा सकते हो। अब यहाँ पे जो इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं, वैकेंसीज़ की जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, 10th पास हो, 1 साल का एक्सपीरियंस, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चौकीदार के लिए अगर आपने 10th पास किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। LDC के लिए अगर हम बात करेंगे, आप अगर 12वीं पास हो, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सफाई वाले के लिए भी 10th पास चाहिए, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए भी 10th पास चाहिए, कुक के लिए भी 10th पास चाहिए, ट्रेड्समैन मेट की बात करेंगे 10th पास चाहिए, वार्ड सहायिका की बात, सहायिका की बात करेंगे 10th पास चाहिए, सहायिका की बात कर लो या इस वॉशरमैन की बात करो 10th पास वगैरह चाहिए। 12th पास जो थे वो LDC की पोस्ट में देखने को मिल रहा था, वहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। आगे सिलेक्शन की बात करेंगे, रिटर्न एग्जाम और अगर ट्रेड टेस्ट वगैरह, तो उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। 45 डेज का आपको टाइम मिलने वाला है, 45 डेज तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपीज़ का आपको पोस्टल जो फी वगैरह रहती है, कह सकते हो, वो रहने वाली है। और एड्रेस आपके सामने दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा, मैं आपको वो भी समझा दूंगा, ऑफलाइन मोड पे भरना है आपको। आगे चले जाते हैं, और डिटेल्स जो रहने वाली हैं हम वो सब कुछ देख ले। स्पीड पोस्ट आपको फॉर्म करना है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा साधन भी दिए जाएंगे बाद में। फिलहाल हम यहाँ पर आगे डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पेपर की बात करें, किस तरह का रहने वाला, 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है जिसमें रीजनिंग रहने वाली है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड की मैथमेटिक्स है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, बाकी 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन अवेयरनेस के रहने वाले। 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है और यहाँ पे 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो पेपर का पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में सेट होने वाला है। इंग्लिश का जो सेट आएगा वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, बाकी सारा पेपर इंग्लिश हिंदी में रहने वाला है। LDC के लिए पेपर का लेवल है वो 12th पास रहने वाला है, बाकी सारे वैकेंसीज के लिए पेपर का जो लेवल है वो 10th पास रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। आगे चल लेते हैं, यहाँ पर आप अगर इसकी तैयारी वगैरह करना चाहते हो, आप हमारा JK Latest Info यूट्यूब चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। JK Latest Info को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये हमारा JK Latest Info यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पर जब आओगे प्लेलिस्ट में, आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, आपको इस तरीके से JKSSB मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, JKSSB रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे जाकर आप किसी भी 10th 12th बेसिक एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो, आप सारी वीडियोज़ देख सकते हो। ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल JK Latest Info के नाम से। आगे इस फॉर्म की एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म। ये अगर पूरा का पूरा PDF है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिलेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसको फिल करके स्पीड पोस्ट के थ्रू आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। ये थे सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। हमारा टेलीग्राम भी JK Latest Info के नाम से है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ये पूरा का पूरा PDF जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा।
फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, वेट कर 10वीं 12वीं में इसमें वैकेंसीज वगैरह आएँ, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना। थैंक यू, जय हिंद।